See the question. A tower stands vertically on the ground. From a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. Okay. एक बार ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन ही रहेगा यहाँ पर आपको इसकी फिगर देकर नहीं रहेगी. Okay. So आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको फिगर फाइंड आउट करना है और आपको इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. ओके तो अच्छे तरह से क्वेश्चन रीड करना है, उसके बाद उसकी डायग्राम बनाना. ओके अब देखो, टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. एक टावर है वर्टिकली, ओके स्टैंड कर रहा है. मान लो यहाँ पर एक टावर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टावर है, ए बी टावर मान लो. ओके नाउ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज टू बी फाउंड टू बी 60 डिग्री. मतलब यहाँ से ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट तक मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर 15 मीटर है. यहाँ पर कितना है डिस्टेंस, 15 मीटर है. ओके एंड क्या बोला है, एंगल ऑफ इलिवेशन. जब भी आपको एंगल ऑफ इलिवेशन डालने में समझ आ रहा है कि नीचे से ऊपर की तरफ एंगल स्प्रेड हो रहा है, तो एंगल ऑफ इलिवेशन मतलब ये जॉइंट हो जाएगा. ओके टावर से लेकर यहाँ पर एंड पॉइंट तक, ओके यहाँ से टावर तक का ये एंगल ऑफ इलिवेशन, ये एंगल होगा, ये कितना है यहाँ पर 60 डिग्री होगा, सॉरी 60 डिग्री होगा. ओके सो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये टावर की हाइट पूछा गया है यहाँ पर. ये मान लीजिए आपका एच है, हाइट है. ओके तो यहाँ पर आपको पूछा गया है हाइट ऑफ द टावर कितना है. ओके अब एंगल देख रहे हैं हमें, अब देखो एंगल ये है. ओके यहाँ पर मैं सी देता हूँ. ओके तो देखो नीचे में एंगल ये है, तो अभी मैंने पहले बताया इंट्रोडक्शन पार्ट में जब ये एंगल ये है तो बेस क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा. अगेन मैं यहाँ पर जब ये एंगल ये है तो यहाँ पर ये बेस होगा, ओके परपेंडिकुलर ये होगा और आपका हाइपोटेन्यूज ये होगा. ये बातें आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाकर सॉल्व करना है. ओके अब देखो जब ये एंगल है तो हमें बेस देकर है और परपेंडिकुलर देकर नहीं है बट एंगल देकर है. ओके सो अब बात ध्यान में रखना है क्या होगा, जब एंगल देकर है मींस क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर मतलब जो हाइट है वो फाइंड आउट हो जाएगी. ओके सब देखो सॉल्व किस तरह से करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. मान लो कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर. सो यहां पर क्वेश्चन में लिख लेना है, लेट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या है, यहाँ पर h मीटर. ओके अब यहाँ पर देखो हमें क्या है, यहाँ पर बेस देख रहे और परपेंडिकुलर देख रहे और एंगल देख रहे. जब बेस एंड परपेंडिकुलर देख रहे, ओके जब बेस एंड परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाय बेस. ओके सो क्या होता है, अगर बेस बाय परपेंडिकुलर लेते हो तो आपको क्या होगा, जब बेस बाय परपेंडिकुलर तो आपका cot थीटा होगा, मतलब cot एंगल जो रहेगा वो, एंड परपेंडिकुलर बाय बेस लेते हो तो आपका क्या होगा, जब परपेंडिकुलर बाय बेस लेते हो तो यहां पर tan थीटा का मतलब जो एंगल रहेगा वो. ओके तो यहां पर हमें क्या है, बेस और परपेंडिकुलर है तो हम परपेंडिकुलर बाय बेस लेते हैं. ओके अब यहां पर देखो परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका मीनिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस मींस क्या होता है, tan जो भी एंगल्स रहेगा हम एंगल्स को मान लेते हैं tan थीटा, एंगल थीटा मान लेते हैं. ओके तो tan थीटा हो जाएगा. ओके बेस बाय परपेंडिकुलर मींस क्या होता है, tan थीटा होता है. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. अब देखो यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, यहां पर आपका AB है और बेस क्या है, यहां पर BC है और एंगल क्या है, tan 60 डिग्री. ओके नाउ अब यहां पर हम उसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे. ओके सो क्या होगा यहाँ पर, अब देखो इधर सॉल्व कर देता हूँ, क्या होगा ए बी, ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, हमें एच लिए यहाँ पर, हाइट लिए और बी सी की वैल्यू हमें कितना देख रहे हैं, 15 मीटर इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, यानी कितना होता है,
थ्री होता है, ओके टेन सिक्स थ्री क्या है कितना होता है रूट थ्री होता है। नाउ अब इसको सॉल्व कर लो, तो क्या होगा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वन इंटू एच एच होगा, और ये क्या होगा फिफ्टीन इंटू रूट थ्री, क्या होगा फिफ्टीन रूट थ्री, ओके। सो हाइट अगर यहाँ पर रूट थ्री की वैल्यू देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको रूट थ्री की वैल्यू डालकर मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकालना होगा, जब वैल्यू देख रहे हैं क्वेश्चन में तो आप वही रख सकते हैं, ओके। सो क्या होगा एच इज इक्वल टू कितना मिलेगा यहाँ पर फिफ्टीन रूट थ्री मीटर, ओके। तो हमें यही फाइंड आउट करना था हाइट, देयरफॉर लास्ट में आप लिख सकते हैं देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर कितना मिला है 15 रूट 3 मीटर, ओके। तो ये इसका सॉल्यूशन था, आई होप कि आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में